हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, शादियों का सीजन शुरू हो गया है। शादी में जाने के लिए आप सब ने भी तैयारियां कर ली होंगी और इसके लिए आप सब ने बहुत सारे पैक्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया होगा, लगाना शुरू कर दिया होगा और पार्लर के चक्कर भी काटने शुरू कर दिए होंगे। बट मैं आज आपको ग्लोइंग स्किन के लिए घर पर ही कुछ आसान से पैक बताने वाली हूँ। इसके लिए आपको चाहिए फ्रूट, तो आज मैं फ्रूट में पपीता लेने वाली हूँ। पपीता आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसका रेगुलर यूज से आपकी स्किन में जो भी डर्ट पोल्यूशन है वो निकल जाएगा और स्किन में जो भी एक्सेस ऑयल है वो भी निकल जाएगा। एक्सेस ऑयल की वजह से हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा गंदगी जमा होती है, उसकी वजह से एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, तो इस पैक से वो भी रिमूव हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेमेडीज़ को बनाना। तो इसके लिए हमें पपीते का पेस्ट तैयार कर लेना है। तो हमें लेना है 2 स्पून पपीते का पेस्ट और इसमें हम ऐड कर देंगे कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस के। तो लेमन जूस बहुत ही नेचुरल क्लींजर है आपकी स्किन से, ये दाग धब्बों को रिमूव करता है और स्किन के कालापन भी दूर करता है। तो इसे मिक्स करके आपको अपने चेहरे पर अप्लाई कर लेना है। 15 मिनट बाद आपको इसे वॉश कर लेना है। इससे आपके चेहरे में जितना भी जमा गंदगी डर्ट मैल है वो निकल जाएगा और जो नींबू और पपीता है आपकी स्किन को नेचुरल क्लीन कर देगा और स्किन आपकी साफ हो जाएगी। सेकंड रेमेडी बनाने के लिए हमें फिर से चाहिए होगा पपीते का पेस्ट। तो हम लेंगे 2 चम्मच पपीते का पेस्ट और इसमें हम डालेंगे 1 स्पून चंदन पाउडर। चंदन पाउडर आपकी स्किन से डलनेस को दूर कर देगा और स्किन को ग्लोइंग करेगा। और इसमें कुछ ड्रॉप हम डालेंगे गुलाब जल की, तो जो हमारे स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करेगा और हाइड्रेट करेगा। तो इसे हमें मिक्स कर लेना है और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेना। इसके बाद इसे आपको अपने चेहरे पर अप्लाई कर लेना है। 25 मिनट्स इसे आपको रखना है, उसके बाद आपको इसे वॉश कर देना है। चंदन स्किन से सारी इम्प्यूरिटीज को दूर करेगा और चेहरा आपका गोरा और ग्लो रहेगा। आते हैं अपने नेक्स्ट रेमेडी पे। इसके लिए मैं फिर से चाहिए पपीते का पेस्ट और इस बार स्किन बहुत ज़्यादा अगर ड्राई है तो वो ड्राइनेस रिमूव हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 स्पून शहद। शहद आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी स्किन को अंदर से नरिश और हाइड्रेट करती है। तो आपको इसे मिक्स कर लेना है और इस पैक को आपको कम से कम 20 मिनट तक अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। इस पैक के यूज से आपकी स्किन नमी में लॉक हो जाएगी, स्किन हाइड्रेट हो जाएगी, ड्राइनेस भी दूर हो जाएगी और 20 मिनट बाद आप अपने चेहरे को गुनगुने पानी से वॉश किए। मैंने जितने भी पैक बताए हैं इन सबको वॉश करने के लिए आपको लाइटली गुनगुना पानी यूज़ करना है और इससे आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट रेमेडी बनाने के लिए हमें फिर से चाहिए पपीता। इस बार भी हमें पपीता 2 स्पून चाहिए और ये बहुत ही इफेक्टिव है। इससे आपकी झुर्रियाँ निकल जाएंगी, रिंकल्स ख़त्म हो जाएंगे और स्किन आपकी टाइट हो जाएगी। सेकंड हमें चाहिए अंडा। तो अंडे का हमें वाइट पार्ट चाहिए, हम येलो पार्ट यूज नहीं करेंगे। तो हमें 2 स्पून हमने ले लिया पपीता और 1 अंडे का पार्ट और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद आप इसे अपनी स्किन पर अप्लाई कीजिए। इससे आपकी स्किन के पोर्स टाइट हो जाएंगे, जो लूज स्किन है वो टाइट हो जाएगी, स्किन में ग्लो आएगा, शाइन आएगी, चमक आएगी और स्किन आपकी बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगी इस बार पार्टियों में। तो आप भी चलिए पार्टियों में 4 चांद लगाइए और अपनी स्किन को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाइए। तो अपनाइए इनमें से कोई एक पैक और शादी पार्टी में आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने वाली हैं। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके काम भी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।